हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग जेड वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम कब होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, जो कि LLB और LLM की डिग्री देती है। इसके अंदर सारी, मतलब राजस्थान के अंदर जितनी भी कॉलेजेस है वो सब जुड़ी हुई है, जो कि LLB करवाती है, बट यूनिवर्सिटी हमारी एक ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। तो अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी प्रॉपर स्टाफ नहीं है। उसके कारण आपने हाल ही में एक न्यूज़ देखी होगी जिसकी कटिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। इसमें दिखाया गया है क्लियर कि LLM का जो कोर्स था, जो कि हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी करवा रही थी अपने कैंपस के अंदर, उसको बंद कर दिया है। और उसको बंद करने का रीज़न क्या रहा है? उसका रीज़न ये रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी बना दी गई है, बट उसके अंदर अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुलपति भी स्थायी रूप से अभी तक नियुक्त नहीं है। कुलपति को चेंज भी किया गया, दूसरे कुलपति को भी रखा गया, पर अभी तक कोई स्थायी कुलपति तक नहीं है। इन सभी रीजंस के कारण हमारा जो LLM का कोर्स, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहा था, वो बंद कर दिया गया है। अब इसी न्यूज़ के साथ में एक और न्यूज़ सुनने को मिली थी, जो कि मतलब ऑफिशियल न्यूज़पेपर में नहीं आई, तो वो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, वो एक तरह से अफवाह ही है, बट सोशल मीडिया के ऊपर वो भी काफ़ी टाइम तक ट्रेंड की है। वो क्या है? वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है, मतलब जयपुर लॉ यूनिवर्सिटी है वो बंद कर दी जाएगी। इसका रीज़न उन्होंने दिया कि ये कांग्रेस की सरकार के अंदर बनाई गई थी, इसको पहले भी बनाने का प्रस्ताव डाला हुआ था, इसका मतलब भवन बन चुका था, बट उस यूनिवर्सिटी को चालू नहीं किया गया भाजपा की सरकार में। तो अब वापस भाजपा की सरकार आई है और ये यूनिवर्सिटी ना तो कुछ प्रॉफिटेबल है, ना अच्छे से चल रही है, ना पूरा स्टाफ है, यहाँ के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, कॉपी चेक हो रही है, सबके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, कुलपति तक सही से नियुक्त नहीं है। इन सभी कारणों को बताते हुए उस आर्टिकल में ये बताया गया कि यह यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाएगी। अब ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ। इसके अलावा आपको पूरा पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड करूँगी, आप वहाँ से इस पूरे आर्टिकल को रीड कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट रीज़न, अब अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो क्यों कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होने वाले थे वो क्यों नहीं हो रहे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म लेट होने का रीज़न दो रहा है, एक जो आपकी इलेक्शन की अभी आचार संहिता की डेट आने वाली थी, वो उस रीज़न से कि भाई किस टाइम कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, कैसे क्या रहेगा, उसको नज़र रखते हुए मतलब एग्ज़ाम का जो फॉर्म की डेट है वो इतनी डिले हुई है। इसी के साथ में यूनिवर्सिटी के पास पूरा स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ की नियुक्ति हो जाए, स्टाफ में जो लोड है वर्क का वो सारा काम हो जाए, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट करेंगे। ये दोनों मेन रीज़न रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म लेट होने के। अभी यूनिवर्सिटी में बात हुई है, यूनिवर्सिटी का कहना है अप्रैल 1st वीक, मतलब होली के बाद में अप्रैल 1st वीक के अंदर आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने के बाद लगभग वो 20 से 25 दिन तक एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट रहते हैं, तो जब भी एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होंगे हम आपको उसके लिए सूचित कर देंगे, आपको बता देंगे। इसी के साथ जो यूनिवर्सिटी बंद होने वाली अफवाह है उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अभी यूनिवर्सिटी ने नया सिलेबस डाला है अपना, तो अभी कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं होने वाली है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि एग्ज़ाम कब होंगे। जब एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं तो अपन अप्रैल महीना तो एग्ज़ाम फॉर्म का मानते हैं, मई के अंदर आपको मतलब टाइम टेबल आता है, नहीं आएगा बट आता है, तो अभी मई में आएगा, तो जून तक एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम की डेट मेरे अकॉर्डिंग रहने वाली है जुलाई 1st वीक में
आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाने चाहिए। एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, तीनों ईयर के एग्ज़ाम आपके जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाने चाहिए। अब ये देखते हैं कि जुलाई के अंदर जैसे एलएलबी फाइनल के और सेकेंड ईयर के हो जाएंगे तो फर्स्ट ईयर वालों को जुलाई एंड तक अपने एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि हमारे एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने हैं, टाइम टेबल कब आना है और एग्ज़ाम फॉर्म कब स्टार्ट होने हैं। एग्ज़ाम फॉर्म आपके अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। आपका जो टाइम टेबल आना है वो मई के अंदर आएगा और वो भी मई लास्ट तक, और एग्ज़ाम आपके जुलाई फर्स्ट के अंदर होने वाले हैं। तो आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या आपको एलएलबी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जयपुर लॉ यूनिवर्सिटी की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।